सीबीएसई क्लास 10th के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के रिजल्ट आज जारी कर दिए गए। मुझे कल पता चला तो मैंने रात में आप लोगों को इन्फॉर्म किया, हालांकि ज़्यादा बच्चों ने वीडियो देखा नहीं क्योंकि लगभग 10:45 बजने वाले थे जब मैंने वीडियो अपलोड किया। तो बच्चों, मैंने जो सूचना दी वो सही निकला, आज आपका रिजल्ट आ गया। बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ उन बच्चों को जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया। आप लोगों की मार्कशीट जल्दी ही आपके विद्यालय में आपके घर के एड्रेस पर आ जाएंगे। अगर आप थर्ड कंपार्टमेंट रहा होगा तो आपके घर पे आएगा, और अगर आप रेगुलर रहे होंगे तो आपके स्कूल में नई मार्कशीट आएगी, वो लोग बुला के आपको देंगे। हम इस वीडियो में मेनली बात करने वाले हैं उन बच्चों से या उन अभिभावकों से जिनके बच्चे इस एग्ज़ाम में फिर से फेल हो गए। देखो बच्चों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, CBSE अफिलेटेड स्कूल में टीचर हूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले 7 सालों से ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम चला रहा हूँ। 60,000 के आसपास बच्चे हमारे गाइडेंस में अब तक कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। तो आपके साथ जो हो रहा है वो कुछ नया नहीं है। इसी बार हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए। 1,32,000 के आसपास बच्चे ऐसे थे जिनको कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना था, उसमें से एक आप थे। हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा ना आया हो। बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर, हमारे जितने मार्क्स पहले थे बोर्ड एग्ज़ाम में, सेम वही मार्क्स हमारे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के रिजल्ट में भी शो हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कॉपी ही न चेक हुई हो या कुछ धांधली हुई हो। तो ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके नंबर कम रह गए तो क्यों रह गए, और अब आपके पास कौन से दो रास्ते हैं जिसके सहारे अभी भी आप ये एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, लेकिन अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि अगर आप एक लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, इस तरीके के गाइडेंस वाले वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएंगे। बच्चों, कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि क्या आपको ये उम्मीद थी कि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था और वो फेल हो गए। तो ठीक है, अब देखो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो बच्चों, अभी जब आपका रिजल्ट आया है तो CBSE एक नोटिस निकालेगी आप लोगों के लिए। वो ये बताएगी कि भाई, हमने मार्क्स वगैरह मतलब बहुत अच्छे से कॉपी चेक करवाई थी ठीक ठाक तरीके से, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन है कि उनके नंबर नहीं आए उतने। तो अगर ये बच्चे चाहें तो अपने मार्क्स वेरीफाई करवा लें, अपनी फ़ोटो कॉपी मंगा के देख लें कि कैसे कॉपी उनकी चेक हुई है, और अगर उनको लगता है कि किसी आंसर में उनको नंबर नहीं मिला है या गलत आंसर चेक हुआ है तो उसमें वो री इवैल्यूएशन करा लें या कॉपी रीचेकिंग करा लें। तो ये नोटिस बस 1-2 दिन में CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। ये प्रोसेस बस यही होता है कि जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो पहले स्टेप में वो कुछ फीस लेंगे, 500 के आसपास फीस लेंगे। उसमें आपका मार्क्स अपलोड करेंगे, देखेंगे उसमें आपके कॉपी में देखेंगे और आपकी मार्कशीट में मैच कराएंगे कि दोनों के मार्क्स सेम हैं या नहीं, और मार्क्स जो आपकी कॉपी में थे कैलकुलेटेड सही थे कि नहीं थे। ये प्रोसेस कहलाता है मार्क्स वेरिफिकेशन। पिछली बार हमने कई सारे बच्चों का करवाया था, उसमें उनके नंबर बढ़े हैं। उसके प्रूफ हमने पिछले वीडियो में जो क्लास 12th वालों के लिए बनाया था उसमें हमने दिखाया था। इसमें भी मैं सिर्फ एक प्रूफ दिखाऊँगा क्योंकि इतना सारा मैं प्रूफ दिखा नहीं सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, वीडियो बनाने का भी मेरा मन नहीं था, लेकिन आप लोग परेशान हो तो मैंने कहा कि चलो आपको गाइड कर देते हैं, क्योंकि आप ही के लिए, आपके चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए मैं इस YouTube पर उपलब्ध हूँ, नहीं तो YouTube पर आने का मेरा कोई मन नहीं था। स्कूल में बहुत सारा काम रहता है हमारे। तो एक दो हम यहाँ स्क्रीन शॉट आपको दिखा दे रहे हैं, उन बच्चों के मार्क्स बढ़े, और ये ऑफिशियल लेटर है, आप इसको देख लीजिए। CBSE ने उन बच्चों को भेजा था जिन्होंने मार्क्स वेरिफिकेशन करवाया था। अब देखो बच्चों, आप जब मार्क्स वेरिफिकेशन कराओगे तो पहले स्टेप में मार्क्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा बच्चों की नहीं होती। जिनके मार्क्स गलत अपलोड हो गए हैं या कैलकुलेशन गलत हुआ है उनके मार्क्स करेक्ट हो जाते हैं। दूसरे स्टेप में CBSE को आप 500 रुपीज़ के आसपास फीस दोगे, वो आपको फ़ोटो कॉपी भेज देगी। अब जब वो फ़ोटो कॉपी भेजेगी तो आपको देख करके आइडिया लग जाएगा कि भाई, हमारे मार्क्स सही चेक हुए हमारी कॉपी की नहीं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो वो कॉपी आप हमें भेजोगे, हम अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चेक करवा देंगे और आपको बता देंगे कि आपकी कॉपी सही से चेक हुई है कि नहीं चेक हुई है। इसकी फ़ीस हम 500 रुपये लेंगे एक सब्जेक्ट की। इसके बाद अगर आपको खुद से भी कर सकते हो या अपने टीचर से करा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप हमें ही भेजो, तो वो एक कंपलसरी प्रोसेस नहीं है, आपका जैसे मन करे वैसे करो। हमें भेजोगे तो हम चेक कराएंगे, नहीं तो आप ये खुद से सारा काम करा सकते हो। अब जब आपको ये पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें नंबर मिलने चाहिए थे नहीं मिले, या यहाँ थोड़ा ज़्यादा मिलने चाहिए थे थोड़े से कम मिले, तो आप उस क्वेश्चन में फिर से अप्लाई करोगे कॉपी री इवेल्युएशन या कॉपी री चेकिंग के लिए। और ये थर्ड स्टेप होगा, इसमें हर एक स्टेप के लिए 100 रुपये CBSE लेगी हर एक क्वेश्चन के लिए।
यानी जितने क्वेश्चन में आपको कंप्लेन है रीचेक करवाना चाहते हो उतने 100 रुपीज़ आपको लगेंगे। 10 क्वेश्चन में कराओगे तो 1000 लगेंगे, 15 क्वेश्चन में कराओगे तो 1500 लगेंगे। तो कुल मिला करके फीस तो आपकी अच्छी खासी जाएगी, लेकिन आपके पास रास्ता ही क्या है? अगर आपका इतना फीस सबमिट करने से क्लियर हो जा रहा है तो देन इट्स वेरी गुड। तो ये काम तो आप सभी लोग करा ही लो, चाहे 2 नंबर कम हो, 4 नंबर कम हो, 10 नंबर कम हो, इवन थोड़े से भी अगर कम हो तो आप करा लीजिए, क्योंकि आपके मन को संतुष्टि हो जाएगी और आपका मन मान जाएगा जैसे भी है। और एक फ़ायदा इसका और होगा कि अगर नंबर नहीं भी बढ़ता है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सी गलती मैंने करी थी जिसकी वजह से मुझे नंबर नहीं मिले, क्योंकि दूसरी बार आप फेल हुए होंगे या तीसरी बार आप फेल हुए होंगे। तो ये आइडिया लगना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पता चलेगा तो आप कभी नहीं पास कर पाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप ये फोटोकॉपी तो मंगा ही लीजिएगा, अपने से अप्लाई कर लीजिए। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं या आप नहीं करना चाहते हैं तो हम भी ये काम आपके लिए करवा देंगे। उसकी पूरी फीस हमारी थोड़ी ज़्यादा है, मतलब अगर आप हमसे कराएंगे, क्योंकि हम तो ये करते नहीं, स्कूल में बहुत काम है, हमें किसी और से कराना है, तो वो लोग अपना फीस लेते हैं। 2000 रुपये हमारी फ़ीस होगी, प्लस जितनी CBSE की फ़ीस लगेगी उतनी आपको देनी पड़ेगी, और हम अपने थ्रू ये पूरा प्रोसेस करवा देंगे। इसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप बार बार कोशिश करिएगा, क्योंकि 10 से 15 हज़ार मैसेज हमें डेली मिलते हैं, हर मिनट में 30 से 40 मैसेज आते हैं। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा बार बार मैसेज करिएगा, तो हो सकता है हमारी निगाह में पड़े और हम आपका ये काम करवा दें। बहरहाल ये आप अपने से भी करवा सकते हो, तो ज़रूरी नहीं कि हम ही से कराओ, हम ही इन्वॉल्व होंगे। दूसरा तरीका इसका है कि अगर किसी वजह से आपने मार्क्स वेरीफाई करवाए और उसमें भी आपका नंबर नहीं बढ़ा, कॉपी रीचेक करवाई उसमें भी नंबर नहीं बढ़ा, तो अब क्या होगा कि अगर जो बच्चे थर्ड कंपार्टमेंट दे रहे थे उनको सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, जो बच्चे पहली बार कंपार्टमेंट दे रहे थे उनको उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें उन्होंने कंपार्टमेंट की परीक्षा दी थी। इन सब के फॉर्म्स आपको सितंबर में मिलेंगे, प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म आएगा उसी के साथ आप लोग फॉर्म भरेंगे। अगले साल फरवरी मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा और मई में इसका रिज़ल्ट आएगा। अगर आप पास कर गए तो आपको एक नई मार्कशीट मिलेगी जिसमें अगले साल की मार्कशीट होगी। अगर आप किसी वजह से फिर से फेल कर ले गए, फिर से फेल हो गए, तो आपको जुलाई में फिर से मौका मिलेगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का। तो तैयारी करनी है, और अगर आपको कोई तैयारी करवाने वाला नहीं है, क्योंकि स्कूल में अब एडमिशन होगा नहीं आपका, तो आप चाहो तो हमसे भी गाइडेंस ले सकते हो। बहुत ही कम फीस इस बार हमने आपसे रखी थी, जिसकी फ़ीस हमने 6000 ले रखी थी पिछले सालों में, वो हमने इस बार 1000 रुपये कर दिया है। 6000 हम लेते थे, बच्चों की संख्या देखी हमने, परेशान देखा, तो हमने 1000 रुपये कर दी है उसकी फ़ीस। 1000 रुपये में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको ढेर सारा गाइडेंस देंगे। ऑनलाइन क्लास तो उसमें नहीं चलेगी, लेकिन आपको बहुत कुछ देंगे। क्या क्या देंगे वो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप इसको देख लो, और इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको जा करके भर दो फॉर्म, फीस जमा कर दो, हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज दो, हम अपने ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम में आपको जोड़ लेंगे। और अगर आपने 6-7 महीने तक हमारी बात मानी, हमारे उसको फॉलो किया, तो आप बहुत ही आराम से अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। क्योंकि जो बच्चे बार बार फेल होते हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्होंने पढ़ाई करी, किताब वही है, नोट्स वही है, वो कुछ ऐसी चीज़ें मिस कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, और वो हम आपको बताएंगे कि क्या आप गलती कर रहे हो, क्या आपको गलती नहीं करनी है। आंसर राइटिंग सिखाएंगे, स्ट्रेस को झेलना सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, और आप आसानी से पास कर ले जाओगे। तो निराश मत हो, अगर आपका एक आध एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है तो कुछ ऐसा है नहीं, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे भी बच्चे जुड़े हैं जो 4-4, 5-5, 7-7 बार CBSE में फेल हुए, आखिर में वो पास हो गए। जब वो पास हुए तो उनकी खुशी देखो, अभी हम 1-2 स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहे हैं। वैसे हम आपको, आप फेल हुए हो तो आपके लिए मायने नहीं रखता, किसी की खुशी थोड़ा अच्छा आज नहीं लगेगा, लेकिन 1-2 स्क्रीनशॉट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से वो खुश हुए हैं। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बच्चे पास होते हैं, कंपार्टमेंट में भी पास होते हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे पास होते हैं। मतलब अब मैं आपको बताऊं कि लगभग 4500 के आसपास बच्चे हमारे पास हुए होंगे इस बार क्लास टेंथ में। बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट आ गई, बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो अगर आप ये करना चाहो तो हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में ज्वाइन कर लो, 1000 रुपये लगेंगे। मतलब सोचो, हर महीने का हम 1000 रुपया लेते थे, अब हम पूरा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक के लिए 1000 रुपया ले रहे हैं।
तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए तो कर लीजिए। वैसे हम ये सितंबर से ये फीस बढ़ा करके पर थाउजेंड, मतलब 1000 पर मंथ कर देंगे। तो अभी अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये दो तरीके हैं। कई सारे बच्चे हमको मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है। वो जानते हैं कि CBSE एफिलेटेड स्कूल के टीचर हैं तो ये कुछ भी मतलब करवा देंगे उल्टा सीधा रुपया पैसा लेके। तो हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर रुपया ले लीजिए और हमें इस तरीके से पास करा दीजिए, जितना बोलोगे उतना दे दूंगा। तो देखो बच्चों, ऐसा कुछ भी CBSE में होता नहीं है। CBSE बहुत ही फेयर बोर्ड है, किसी भी तरीके का दो नंबर वाला काम नहीं होता है। तो अगर आप किसी को पैसा वैसा दे दोगे ना तो लेकर के भाग जाएगा, डूब जाएगा आपका पैसा। तो नंबर उंबर बढ़वाने का कोई चक्कर नहीं है, ना नंबर बढ़ सकता है। अगर बढ़ सकता है तो मार्क्स वेरिफिकेशन के थ्रू ही बढ़ सकता है, वो लीगल प्रोसेस है, CBSE ही उसको करवाती है। तो अगर आपने लिखा है, आपको कॉन्फिडेंस है तो वो प्रोसेस करवा लीजिए, नंबर उसमें बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि रुपया पैसा दे करके हम नंबर बढ़ा लेंगे और कोई हमारा हेल्प कर देगा, मार्क्सशीट चेंज करवा देगा, हमें इसी साल पास करवा देगा, तो दो नंबर के तरीके से ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप उसके चक्कर में मत आइएगा। बस जो दोनों रास्ते हमने बताए, या तो मार्क्स वेरिफिकेशन के थ्रू आप पास हो सकते हो, इसी साल पास हो सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस साल तैयारी करेंगे, अगले साल उनके ढेर सारे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर से वो पास होंगे। तो अगर आपको है तो आप, मैं तो कहूँगा तैयारी कर लो, अच्छे से नंबर आएंगे ढेर सारे और पास हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर NIOS के बारे में बता दीजिए, स्टेट बोर्ड के बारे में बता दीजिए। तो भैया मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं सिर्फ CBSE के बारे में जानता हूँ। अगर आपको हमारा ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, पास हो जाओगे, बशर्ते आप हमारी बात मानो। अब जैसे ही आप लोगों के फॉर्म्स आते हैं उसके कंपार्टमेंट टू वाले, या जो अगला फॉर्म आएगा सितंबर में, हम आपको अपडेट करेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ कॉन्टैक्ट में बने रहिए, वीडियो बनाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, हमारा ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 1000 रुपया कुछ भी नहीं है, 100-150 रुपया महीना पड़ा आपका। बहरहाल जैसे ही आपकी इच्छा होगी करेंगे आप वही। हमारी शुभकामनाएँ, हमारी संवेदनाएँ, हमारी सांत्वनाएँ आपके साथ हैं। भगवान करें आप अगले एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।